अभी एक भजन एक तो कुछ तो जाएगा बोली कुछ को नहीं बोली सुस्त होगी दोबारा फिर आठ ऊपर को सारी हाँ सारी सारी अब जोर को जाएगा लगाओ परमानंद जी महाराज की इस प्रकार से जाएगा लगाया करो और एक भजन अभी आप लोगों के बीच में कि दो ही चीजें सत्य हैं इस दुनिया में और सब कुछ झूठ है क्या ईश्वर और बौद्ध ये दो चीजें सबको हमेशा याद रखनी चाहिए तेरी मेरी मेरी तेरी ला गई है एक पैर तरह दूसरे का नहीं मेरा दर्द भी पाओगे ना भी दर्द पाओगे लेकिन दुनिया में क्या है कई कई बात में बोलो कई कई तो आस की बात में असर कई आस की तो नहीं एक बात बताओ मैंने 84 लाख जिया जून है 84 लाख जिया जून में एक इंसान की दुनिया छोड़ के किसे दुनिया हंसने की कला देखिए भगवान ने किसे भी दुनिया हंसने की कला नहीं देखी एक क्या इंसान को हंस की कला देती है और फिर भी इंसान इसका प्रयोग नहीं करता हंस देगी हंस यानी बंदूरी है आज इस टेंशन भरी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम हमें लोगों के पेट में हंस निकालना लेकिन लोग हंस के राजी हो नहीं इस बात करने भी सुनने कई तो हंस लग रही है और कई बिना हंस दी और कई ने तो हंसते अपने दे सूत्रे लग दे बराबर वहां से कभी तुम आए कि जैसे आए वो तेरी है तो नहीं हंसता बुद्धि से तो हंस में गए तो यह बात है आगे तो भी हैप्पी क्योंकि हंसना से सौ बीमारियों की एक दवा होती है माता बहनों हंसना यह हार्ट अटैक की बीमारी जो है ना ज्यादा टेंशन पर पैदा हुआ है कोई भी टेंशन नहीं यानी टेंशन भगवान के दर पर गुरु जी के दरबार में छोड़ दो अटेंशन मुक्त होने को जाना इसलिए हमेशा आगे की हैप्पी सजा खुश रह करो क्योंकि टेंशन क्यों बढ़ गया ऐसी दुनिया आंदी क्योंकि हर इंसान के अंदर टेंशन बढ़ गया टेंशन के है मेरे समझ में आंदी लोगों ने लागे रुपये कमान की ओर इन एक बात हो रहा है कि 84 लाख दिया जुर्म में मैंने न्यू बताओ ऐसी कौन सी दुनिया है जो इंसान ने छोड़ कर रुपये कमाए एक भी दुनिया बताया जो ऐ कौन एक भी दुनिया नहीं जब रुपये कमान दिए और इंसान ने छोड़ कर अब तो बता दो मैंने 84 लाख दिया जुर्म में कोई भी जीव रात को फंसा हो परमपिता परमात्मा सत्ता के ऊपर एक भी जीव को खाने सकता और एक चमक भी नहीं कमाता कोई सा भी जीव ये इंसान है जो सा सारी जिंदगी तो नोट कमावे और सारी जिंदगी इसका पेट बंद है नहीं इसे बताओ यह न्यू टेंशन पैदा हो रही है इसीलिए मैं तो परमपिता जो हूं हे परमपिता परमात्मा सिर्फ तो है जान है तो जहान है यो एक सांस आ गया इसे का धन्यवाद करो भी दूसरा मैंने ले लिया पता ही तो नहीं एक साथ 300 एक पैर तेरा मर गया दूसरे का नहीं लेगा इसीलिए युवा जन जो समान हुआ ना ये जिंदगी के ऊपर है यानी कि बचपन है बच्चे का ये बचपन सदा नहीं रहेगा फिर जवान हो जाएगा ये जवान भी सदा नहीं रहेगी फिर बुढ़ापा होगा बुढ़ापा भी सदा नहीं रहेगा अब सोच उम्र के डल्ले डल्ले बदले इस बजे में बताऊंगा समय की ताप में मेरा बट जाएगा कि ये सदा नहीं रहना जीवन ये समय में चल रहेगा कि समय का पहिया घूम है समय कभी रुकता है समय का पहिया जो घूम है अब जो घूमते घूमते देखो कहीं गम खुशी मरना जीना हंसना रोना टोटा कथा यू पैरेंट में चलेगा कितने मर्जी जोर लगा लो इसलिए जिंदगी तो एक सत्य है इसको जियो एंजॉय से जियो बहुत टाइम से नहीं लेनी अब किस प्रकार से मैं बताया बचपन रहे बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे ये जवानी ना रहे बचपन रहे कहां से काम करना दिखा रहा है बार बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे ये जवानी ना रहे अरे ये तो दो दिन का है मेला जिद का मीना रहे कहीं पर इंसान के सुसुन से लगाई हो जाती इसकी बात हो हाँ बचपन रहे ये बुढ़ापा रहे ये जवानी
करते ज्यादा कम हो जाता ना पावे बर्बाद मर्जी होती है। इसीलिए बताता हूँ कि 365 करोड़ एक्सीडेंट से जल्दी हिंदुस्तान में मौत होती है। कल बुला आवाज है कुछ नहीं, मेरा कुकर किस पर लिख रखी है, किसी ने सच्ची बोलिया माताओं बहनों कि एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ शमशान थे, और चलते चलते एक हड्डी से पैर टकरा गया, उस हड्डी के व्यान थे, अरे वो चलने वाले जरा समझ कर चल कर दे तो भी इंसान थे। बताओ ताली बात अच्छी लगी उसे दिल में खुशी और होठा पे हंसी, आंख में पानी ना रहे, आंख में पानी ना रहे, दिल में खुशी और होठा पे हंसी, आंख में पानी ना रहे, आंख में पानी। एक दिन वो दिन आ गए जिंदगी में ये परिवार के सुखा न देगा, हंसने का दिल करेगा, लेकिन पेट की नसें काम करना बंद कर देगी, हंसी आएगी कोई नहीं।